मात्र इस एक चीज को घर में जलाने से प्रसन्न होते हैं देवी देवता, खुल जाते हैं बंद किस्मत के दरवाजे और घर की नकारात्मकता होती है दूर, मिलता है सभी समस्याओं से छुटकारा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोबान के बारे में। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इस वीडियो में आपको मिलने वाली है बहुत सारी जानकारी और लोबान को किस तरीके से घर में धुआं करें और किस तरीके से जलाएं, जिससे बनेंगे आपके सभी काम, और दो तीन बताएंगे आपको उपाय। तो एंड तक मेरे वीडियो को देखना, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं। विधि विधान के साथ ईश्वर की उपासना करने से मन की हर मुराद, हर मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म में धूप दीप के अलावा लोबान का भी विशेष महत्व होता है। खास तौर से माँ दुर्गा की पूजा में लोबान का उपयोग जरूर किया जाता है। कहते हैं लोबान जलाने से किस्मत के द्वार खुल जाते हैं। इसके अलावा लोबान जलाने से घर से हर तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और सकारात्मकता का प्रभाव हमारे घर में होता है। मान्यताओं के मुताबिक लोबान भगवान शनि देव को अत्यंत प्रिय होती है। लोबान के धुएं से सूर्य पुत्र शनि देव काफी प्रसन्न होते हैं। ऐसे में शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए शनिवार के दिन शनि देव के सामने लोबान के धुएं से अपने घर के वातावरण को आप शुद्ध कर सकते हैं। लोबान के धुएं से नकारात्मक शक्ति के कुप्रभाव से मुक्ति मिलती है। मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन लोबान की धुनी से हवन करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। घर में लोबान से धन धान्य से वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लोबान का धुआं आपके जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। आपको लोबान का धुआं कैसे करना है, वही आपको अब मैं बताने जा रही हूं। आप गुरुवार और रविवार के दिन एक कंडा लें, जिसे गोबर का उपला भी कहते हैं, उसे जलाकर उस पर लोबान, गुड़ और देसी घी डाल दें। इस उपाय को करने से नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलती है। लगातार 21 दिन तक लोबान का धुआं घर में करने से पैसों से जुड़ी सारी दिक्कत दूर हो जाती है। घर से नकारात्मक शक्तियां व वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर में शनिवार के दिन पूरे घर में लोबान का धुआं करें। रोजाना घर में लोबान जलाने से मानसिक शांति मिलती है। मन से हर तरह के नकारात्मक जो विचार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। पूरे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। घर परिवार में खुशहाली छाई रहती है। तो दोस्तों, आपको मैंने जिस तरीके से बताया है, आप भी अपने घर में लोबान का धुआं हर शनिवार, रविवार और गुरुवार को अवश्य करें। तो दोस्तों, बताए अनुसार आप भी घर में लोबान का धुआं करें। तो मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।